में यहाँ पर दो यात्री बसें वो बह गई। इस हादसे में 7 भारतीय नागरिकों की भी मौत हुई है। 50 से ज्यादा लोग इस वक्त लापता हैं। तलाशी अभियान इस वक्त तेजी से वहां पर चल रहा है और प्रशासन की टीम वो बस तक पहुंची है। राहत और बचाव का काम जारी है। नेपाल के नारायण घाट मुगलिंग सड़क पर सिमलताल इलाके में ये भूस्खलन हुआ जिसमें 2 यात्री बसें बह गई। 50 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता है। जो तलाशी अभियान है वो भी चल रहा है और 7 भारतीय नागरिकों की इसमें मौत हुई है। रणवीर हमारे सहयोगी हमारे साथ लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, कई लोग अभी भी लापता है, 7 भारतीयों की मौत की दुखद खबर भी आई है। इन लोगों की क्या पहचान हो पाई है? कौन लोग थे, कहां से थे? पाठीवर हादसे होतात, लक्षात ठेवा। आता बारिश है, सभी जगह बारिश बहुत भारी में पड़ रही है। तो घूमने के लिए क्यों जा, यात्रा के लिए क्यों जा? क्योंकि हम देखो, आप यात्रा में निकल जाते, घर में कुछ बच्चे होंगे, हस्बैंड होगा, कोई पति जाता है तो वाइफ होगी, इसका भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। या ऐसे लोग जाते हैं बस में, बस कहाँ से जाते हैं? देखो, अभी ये पहाड़ी के इलाके से जब बस जाती है, अब पानी गिरता है तो ये पहाड़ी इलाका स्लाइड हो जाता है, उसके ऊपर बस से ऊपर से गई तो बस कहाँ पे जाएगी? नीचे दरी है, नदी है, नदी बहती है, ये बस कहाँ पे जाएगी? देखो अभी ये देखो, भारतीय इसमें 7 जन है या ज़्यादा है पता नहीं, लेकिन 63 लोग की मौत हो गई। अब ये सब पानी में बह गए, कोई नहीं मिला, जीव जिंदा कोई नहीं मिला, सब मरे गए। देखो क्या हुआ, यात्रा में जाते हैं काठमांडू से नेपाल, नेपाल से काठमांडू या काठमांडू से नेपाल यात्रा में गए और 2 बस पानी में गिर के बह गई और निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई लोग नहीं मिले। बहुत सारे लोग हैं वो नहीं मिले, बहुत सारे लोग बह गए। कितने लोग बह गए, वो 2 बस में कितने जन हैं उसको ही पता है। उस बस से 3 लोग ने छलांग लगाई, वो बच गए, बाकी के सब गए। रणवीर, जाहिर सी बात है, यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह का चल रहा है उसके बारे में कोई जानकारी? क्योंकि ये हादसा तड़के 3-3:30 बजे के आसपास हुआ और जैसा कि आप बता रहे हैं, ये पूरी सड़क जो है बिल्कुल नदी किनारे चलती जाती है और फिर वहां पर जो ये लैंडस्लाइड हुआ है, तो जाहिर सी बात है एक चुनौतीपूर्ण काम ये भी है। देखिए, नारायण घाट जो इलाका है वहाँ पे नदियों का संगम होता है, बहुत चौड़ाई है और उसके बाद से जो पहाड़ी है वो बहुत स्टीप हो जाती है और घाटियाँ बहुत गहरी हैं। जब आप नारायण घाट से मुगलिंग और मुगलिंग से काठमांडू की तरफ जाते हैं तो ये नारायण घाट से मुगलिंग के बीच का जो इलाका है ये बहुत मुश्किल माना जाता है, क्योंकि पहाड़ी की ऊँचाई भी ज़्यादा है और जो नदियाँ हैं वो बहुत गहराई में यानी कि घाटियाँ हैं। तो वहाँ पर अगर इस तरह का हादसा जो भूस्खलन हुआ है और बसें जो बही हैं उसमें गुंजाइश बहुत कम रहती है। हालांकि मनाया जा रहा है कि लोग बच जाएं, इसी वजह से जो राहत बचाव कार्य है वो चल रहा है। नेपाल सरकार की तरफ से चितवन जिले के जो अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी, उनको भी लगाया गया और डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग हैं उनको भी लगाया गया है। जो वो जो नाव होती है हवा वाली, उस नाव पे बैठ करके उस नदी में अलग अलग जगहों पर तलाशी कर रहे हैं और हर उस संभावित जगहों पर तलाशी हो रही है जहाँ पर पानी का थोड़ा सा बहाव मुड़ता है, ताकि वहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग अगर बहे हों तो रुके हों। तो इस तरह से जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस मामले में फिलहाल जो घायल या जो बहे हैं लापता लोग हैं उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए रणवीर आपका।